Welcome to everyone. अगर आप उन हालातों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं जो कल सुबह खड़े हो सकते हैं, तो यही होगा कि आप बहुत सीमित जीवन बन जाएंगे। आप दुनिया में जाकर सिर्फ तभी वो सब करेंगे जो करना जरूरी है, जब आपको पक्का विश्वास होगा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप खुद को नहीं खोएंगे। तभी आप पूरे कदम उठाएंगे, वरना आप आधे कदम ही उठाएंगे। ज्यादातर इंसान दुख के डर से आधे कदम उठाते हैं। अगर ये हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर वो हुआ तो मेरा क्या होगा। अगर आप अपने भीतर अच्छे से संभले हुए हैं, आपको अपने विचारों को संभालना आता है, अपनी भावनाओं, अपने शरीर, अपनी केमिस्ट्री, अपनी ऊर्जा को संभालना आता है, अगर आपको इन सभी को संभालना आता है, तो अगर आप नर्क में भी चले जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप व्यवस्थित हैं, अगर आपके अंदर ही स्वर्ग है, तो आप कहीं भी जाएं क्या फर्क पड़ेगा। जाने के लिए नर्क भी एक मजेदार जगह होगी, लेकिन अगर आप अव्यवस्थित हैं तो आप हमेशा एक अच्छी जगह होना चाहेंगे। You will not step out into anything. आप कहीं भी अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे। मैं इसे गलत नहीं बता रहा हूं, बस ये प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि प्रकृति में हर जीव उतना होना चाहता है जितना वो हो सकता है ना? ये हर जीव की स्वाभाविक चाहत है। ये कोई सिद्धांत या विचारधारा नहीं है कि आपको ये या वो करना चाहिए। हर जीव के लिए ये कुदरती और सहज है कि वो जितना हो सके उतना करेगा। एक केंचुए से लेकर एक कीट से लेकर कीड़े तक, एक पक्षी, जानवर और पेड़, हर कोई एक संपूर्ण जीवन होने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सिर्फ दुख के डर से इसके खिलाफ जाते हैं, तो मनुष्य होने की प्रकृति को खोजने की सारी संभावनाएं, इंसान होने की जबरदस्त विशालता पूरी मानवता पर बस बर्बाद हो जाएगी। आजकल आप ये हर जगह देख सकते हैं, जब लोग कहते हैं मैं तो बस इंसान हूं, वो इंसान होने की सीमाओं की बात करते हैं, वो इंसान होने की संभावनाओं की बात नहीं करते, है ना? अगर हम धरती पर सबसे बुद्धिमान प्रजाति हैं, अगर हम सबसे काबिल प्रजाति हैं, तो हमें अपनी संभावनाओं की बात करनी चाहिए या अपनी सीमाओं की बात करनी चाहिए? जब भी कोई लिखता या कहता है अरे हम तो इंसान हैं, तो वो हमेशा अपनी सीमाओं की बात कर रहे होते हैं, इंसान होने की संभावनाओं की बात कभी नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में सबसे बुनियादी चीजें नहीं सिखाई गई हैं। अपने विचारों और भावनाओं को कैसे संभालें? आपका मनोवैज्ञानिक नाटक बेकाबू हो गया है। इस ड्रामे का निर्देशन बहुत खराब है। अगर इसका निर्देशन अच्छा होता तो आप उसे मन चाहे अंत तक ले जाते, है ना? क्योंकि इस ड्रामे का निर्देशन बुरा है तो कोई भी इसका चार्ज ले लेता है। आपके मनोवैज्ञानिक ड्रामे का निर्देशक कौन है? कोई भी, है ना? कोई भी इसे एक ट्रेजेडी बना सकता है। लोगों ने अपने विचार और भावनाओं को भी संभालना इसलिए नहीं सीखा है क्योंकि 10 साल के होते होते आपको ये सीख लेना चाहिए था। 60 की उम्र में भी लोग नहीं जानते कि अपने विचार और भावनाओं को कैसे संभालें। वो अपना जीवन भूत की तरह जीते हैं, उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लगातार अपने लिए दुख पैदा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास सामान्य हाथ हैं, पर आपको उनका इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप खुद को क्या कहेंगे? नहीं, आप खुद को बताइए, मुझे मत बताइए, ठीक है? वो शब्द जो भी है, अगर आपके पास सामान्य दिमागी क्षमता है और आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, तो इसका मतलब भी वही है, आया ना? दोनों चीजें एक समान है या नहीं? सामान्य हाथ न होने पर आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो बात अलग है, हम आपको करुणा से देखेंगे। सामान्य हाथ होने के बावजूद आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आपने खुद के लिए जो भी शब्द चुना है मुझे मत बताइए, लेकिन वही चीज लागू होती है जब आप अपने विचार और भावनाओं को अपनी खुशहाली के लिए इस्तेमाल करना नहीं जानते, है ना? क्योंकि आप व्यवस्थित नहीं है,
क्योंकि जीवन की बुनियादी चीजें नहीं समझी गई हैं। मेरे अस्तित्व की प्रकृति क्या है, अगर आप ये नहीं जानते तो आप इसे संभालेंगे कैसे? जब आप किसी चीज की प्रकृति को समझेंगे, सिर्फ तभी आप उसे संभालना सीखेंगे, है ना? आप देख भी नहीं पा रहे कि ये क्या है, तो इसे संभालेंगे कैसे? इसे संभालने का कोई तरीका नहीं है। तो पहली और सबसे जरूरी चीज को इसीलिए आत्मज्ञान कहा जाता है। आपको यह समझना चाहिए, इस देश में, इस संस्कृति में हमने किसी तरह के आध्यात्मिक आत्मज्ञान को कभी कुछ प्राप्त करना नहीं माना, हमने उसे सिर्फ आत्मज्ञान कहा। आत्मज्ञान का मतलब है कि आपने बस वो देखा है जो पहले से मौजूद है, आपने कुछ खोजा नहीं है। आप पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़े, आपने बस हर चीज को वैसी देखना शुरू किया है जैसी वो है, मगर ये इतना दुर्लभ हो गया है कि उसे बहुत कीमती माना जा रहा है। 3 दिन पहले जब मैं केरल में था, किसी ने मुझसे पूछा, सद्गुरु ऐसा लगता है कि आप हर चीज जानते हैं। मैंने कहा, देखिए मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, मैं सिर्फ इस एक चीज को इसके स्रोत से इसके चरम तक जानता हूं। अरे मैंने कहा, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, आप तालियां क्यों बजा रहे हैं? मैं सिर्फ इस एक चीज को जानता हूं, मगर इंसानी अनुभव की प्रकृति ऐसी है कि आप सिर्फ इसी के जरिए हर चीज जान सकते हैं, है ना?